खबर है सुप्रीम कोर्ट से इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। इंसदादे स्मगलिंग एक्ट नकायस से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इंसदादे स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुजिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट को फायदा पहुंचा रहा है मुलजिमान। और सुप्रीम कोर्ट का 7 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी है। इंसदादे स्मगलिंग एक्ट में एएनएफ या रियासत को अपील का कोई हक नहीं दिया गया। इसी पर बात करेंगे, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया है, जबकि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट नकायस से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला किया गया है। इंसदादे स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुलजिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब ये है कि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट मुलजिमान को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह तमाम तर फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 सफा पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया है। इसी पर बात करेंगे, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा फैसले से मुतालिक। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दी है। इंसदादे स्मगलिंग एक्ट नकायज से भरपूर है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला तहरीर किया गया है उसके अंदर, और जो कि जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया है जो कि 7 सफात पर मुश्तमिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की जो कॉपी है वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी है और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी जो फैसले की कॉपी है वो भिजवा दी गई है। फैसले में ये कहा गया है कि एएनएफ ने 1998 में शिकायत दर्ज कराई कि उबैद खान नामी शख्स ने जायदाद स्मगलिंग की थी, जबकि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट में एएनएफ का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इतला जो है वो दहिंदा का है, और इसके साथ साथ इंसदादे स्मगलिंग एक्ट के तहत जज को इतला देने के बाद शिकायत कुनिंदा का जो किरदार है वो खत्म हो जाता है। जो निशानदेही की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुलजमान को दिया गया है, जबकि हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब यह है कि इंसदादे स्मगलिंग एक्ट मुलजमान को फायदा पहुंचा रही है। तो ये अहम फैसला सामने आया है जो कि 1977 में जो इंसदादे स्मगलिंग एक्ट बनाया गया था उसमें तरमीम की सिफारिश की गई है इन बुनियादों के ऊपर, और अदालत की तरफ से जो फैसले सही 7 सफा मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। हसीब मलिक, आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।